नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक नाइस के वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल एंटर ट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इन्फीबीम एवेंचर। आज ये स्टॉक में बढ़िया तेजी देखने को मिली है, 11% से ऊपर की अभी तेजी देखने को मिल रही है और ये शेयर अभी 20 रुपये 10 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। चलिए सेगमेंट जान लेते हैं। मिशनरी कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस में ये काम करता है शेयर। चलिए और जानते हैं शेयर के बारे में, नीचे चलते हैं हम लोग। वेंचर इज होल्डिंग कंपनी विच इज एंगेज इन द प्रोविजन ऑफ ई कॉमर्स एंड पेमेंट सॉल्यूशन थ्रू द ई कॉमर्स सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट ई कॉमर्स सेल्स सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज। यानी कि ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट होती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मिंत्रा जैसी ऐसी साइट को पेमेंट गेटवे पेमेंट के लिए थ्रू ये सॉफ्टवेयर वगैरह हेल्प करता है, उनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है। कोई इसलिए ये कंपनी 2010 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है। देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में अच्छे रिटर्न हैं, 1 महीने में भी अच्छे रिटर्न हैं, 1 मंथ में भी अच्छे रिटर्न है, अच्छे रिटर्न दे रही है कंपनी। तो चलिए इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया बात जो मुझे अभी अभी देखने को मिली है कि 400 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 400 डे मूविंग एवरेज को जो लोग दोस्त नहीं जानते, ये वो इंडिकेटर है, ये जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है 400 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इस ये EMA आप लोगों को ये बताती है कि शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर आप लोगों को इस लाइन से ऊपर प्राइस दिखता है तो अब ये मान सकते हैं कि अप ट्रेंड में है। लेकिन इस चीज़ को आप अपने आप से भी एक्सपीरियंस से जान पाएंगे अगर आप लोग इस तरीके से चलेंगे। देखिए, शेयर का प्राइस जो होता है वो हमेशा हाई बनाता है अगर वो ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ ऐसा ही हो रहा है, देखिए ये हो रहा ना, हाई टूट रहे हैं, लो नहीं टूट रहे। एक ये नया ये लो था जो नहीं टूटा, फिर एक लो और बना, फिर एक लो बना, लेकिन ये सब लो आपस में एक दूसरे को तोड़ नहीं रहे। यानी कि इससे ऊपर ये लो है, इससे ऊपर एक और लो है, इससे ऊपर एक और लो है। तो यही पहचान होती है अप ट्रेंड की। लेकिन जब शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा था तब क्या पहचान थी, तब क्या कर रहा था, शेयर नए लो बना रहा था। बार बार देखें, नए लो बना रहा था, ये देखें। लेकिन इसके बाद, इस लो के बाद, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए, इस लो के बाद शेयर ने नए लो बनाने बंद कर दिए। मतलब कि शेयर ने यहाँ से लो बनाने बंद करके अब हाई बनाने लगा। तो यही एक ट्रेंड की पहचान होती है जिसे आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका टेक्निकल एनालिसिस हम शुरू करते हैं। आप लोग इससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों के लिए हमें ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये तो ट्रेंड हमने बता दी कि ट्रेंड चेंज यहाँ से हुआ था, भले ही ये नीचे फिर आ गया था लेकिन ट्रेंड चेंज होने का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ था क्योंकि यहाँ से लो नहीं बनाता। अगर ये लो नया लो बन जाता तो हम कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि शेयर नीचे जा रहा है। लेकिन क्या हुआ, ऐसा हुआ नहीं, अब शेयर ऊपर जाने लगा है। उसके बाद हमें एक चार्ट पैटर्न और देखने को मिला है, यहाँ पर राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। देखिए, राउंडिंग बॉटम इस तरीके का चार्ट पैटर्न होता है जिसमें क्या होता है, रिकवरी आती है यू शेप। और मार्केट में दो तरह की रिकवरी मानी जाती है, एक तो यू शेप जो कि यहाँ पर देखने को मिली है, एक होती है वी शेप। वी शेप रिकवरी में हमें जल्दी ही नीचे जाने का रिस्क नज़र आता है क्योंकि शेयर तेज़ी से नीचे गया, तेज़ी से ऊपर गया, फिर नीचे जा सकता है। यहाँ पर नेक लाइन टूट चुकी है, नेक लाइन टूटने के बाद ही जो दोस्त एंट्री करना चाहते थे वो एंट्री कर सकते थे, लेकिन अगर एंट्री का मौका छूट गया है तो एक मौका और है जिसे बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये देखिए कप बन गया, ये हैंडल बन गया। अगर इसी तरीके की यहाँ पर एक दो दिन में यहाँ पर कुछ शेयर थोड़ा वो नीचे आता नज़र आता है अगर, तो वहाँ से हमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, शेयर थोड़ा सा नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं आई है तो इसलिए मुश्किल है ऐसा चांस भी आना। लेकिन आप लोग तैयार रहेगा, तैयार रहेंगे तभी तो वहाँ पर एंट्री कर पाएंगे ना, इस रेंज में फंसेगा और उससे ऊपर निकल जाएगा जैसे इसमें हुआ। ये देखिए इस तरीके से, तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर बन सकता है। अभी तो राउंडिंग बॉटम ही बना हुआ है, राउंडिंग बॉटम के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत और नीचे मिलेगा। ये कल के दिन यहाँ पर एंट्री होती है,
हमारी इसी इस सपोर्ट के आसपास, तो हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए ये कोई यहाँ से देखे, मैंने जब खींची लाइन ये वहीं देख के खींची, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कितनी बार इसी प्राइस रेंज पे शेयर ने सपोर्ट लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट जोन हो जाता है 1900 रुपये का, जिसे शेयर अगर होल्ड करता है तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। दोनों चार्ट पैटर्न आपके मैंने बता दिए हैं टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या संभव है। तो चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं और समझते हैं यहाँ पर कंपनी कमाती धमाती क्या है। लेकिन क्योंकि बिना कमाई के दोस्तों कोई भी शेयर प्रॉफिट नहीं दे सकता, ठीक है। तो चलिए अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर पिछली तिमाही सितंबर तिमाही में 470 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी रही है 9.5% से ऊपर की, 9.5% के लगभग, ठीक है, जो पिछली दो तिमाही से कम है। लेकिन हाँ देखिए पिछली सभी तिमाही से कम आई है, बस एक दिसंबर तिमाही में इतनी ही इसके आसपास ही रही थी प्रॉफिटेबिलिटी। इन प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़े से मार्जिन में थोड़ी टाइटनेस है, इसके चलते शेयर के प्राइस में भी हमें नीचे देखने को मिला। नेट प्रॉफिट देखेंगे 46 करोड़ का अच्छा नेट प्रॉफिट कमाया है, TTM बेसिस में ये 115 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। देखिए बढ़िया, सब मुझे अच्छी कंपनी वही लगती है, चाहे वो पेनी स्टॉक हो, कम दाम पे मिल रहा हो, लेकिन फिर भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी है तो आप लोग उसमें वहाँ पर अपना एक बैट ले सकते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा होगा, इस कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है मुझे, और प्रॉफिट होने के साथ साथ हमें ये उम्मीद की जा सकती है कि शेयर ऊपर बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों अगर कमाएगी नहीं कंपनी तो वहाँ पर क्या करेगी, तो थोड़ा सा एक तो बस ये है ध्यान रखने का पड़ेगा आप लोगों को कि RSI अगर ओवरसोल्ड हो जाती है तो अपने प्रॉफिट को हल्का फुल्का बुक करके चलेंगे। देखिए RSI हमें से ये बताती है कि कब प्राइस ओवरबोट हो चुका है, कब ओवरसोल्ड हो चुका है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर 1 नवंबर को RSI ओवरबोट हुई थी और उसके बाद देखिए कैसी गिरावट देखने को मिली, यही पैटर्न आप लोग कई बार देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए गिरावट आई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं गिरावट आई है। गिरावट आती है शेयर में जब जब हमारी RSI ओवरबोट हो जाती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा जब भी RSI में आप लोगों को 80 के लेवल छूती नज़र आएगी तब आप लोग थोड़ी सी हल्की करेंगे अपनी क्वांटिटी ताकि आप लोग प्रॉफिट को अपने घर ले जा सकें। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं शेयर मार्केट में ऐसी चार्ट को एनालिसिस करना, आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करना, तो आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, क्योंकि दोस्तों इस मार्केट में बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं होगी, तो लर्निंग पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अर्निंग अपने आप शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपके इस चैनल पर उपलब्ध है बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और बेसिक स्टॉक मार्केट कोर्स, आपको बस देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो नहीं जो आप लोग शाम को देखेंगे फ्री होकर तब भी टाइम चल जाएगा। अगर सही समय पे सही वीडियो आपके पास पहुंच गई तो आप लोग अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने लॉस होने से भी बचा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए ये सब चीज़ों के लिए ध्यान देना कि बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं दोस्तों अपनी लर्निंग को तेज करना, शॉर्टकट में सीखना, तो आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, आप अपने कुछ दोस्तों को लीजिए, इनका ग्रुप बनाइए, इसमें हमारे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आप लोग आपस में सीख सकें और आपस में डिस्कस कर सकें। और दोस्तों साथ साथ आप लोग ट्रेड भी लेनी होगी, ट्रेड लेंगे तो आपस में आप लोग गलतियां करेंगे, गलतियों को आपस में डिस्कस करेंगे और ये कहेंगे कि ये गलतियां हम लोग नहीं करेंगे दोबारा से। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे आपकी समस्या सुलझाने के लिए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक के बारे में जानना समझना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन